हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज, अनअकैडमी पर 25 अप्रैल से 28 अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल 2022 से पहले अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स अगर खरीदते हैं तो आपको फ्लैट 20% उसमें ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और उसमें आपको कोड यूज करना है झासर, कैपिटल लेटर में झासर कोड का यूज करना है। 1 मई 2022, ये डेट अपने पास सेव कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए कि 1 मई 2022 को 11 बजे आपका अलार्म बज जाए या 10:30 बजे अलार्म बज जाए, क्योंकि इस दिन आपका प्रीलिम्स स्पेशल टेस्ट होने वाला है। और इस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी देगा और वेरियस एक्साइटिंग रिवॉर्ड वाउचर्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा। और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी जो है वो अनअकैडमी का चल रहा है, जिसमें सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। डेली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को भी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट होती है। और जैसे कि आज 26 अप्रैल 2022 है तो आज इकोनॉमिक्स का आपका टेस्ट है, तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। सभी लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पूरी चीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है और लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हुई है, और कैपिटल लेटर में झासर कोड का आपको यूज़ करना है। राइट, सो कौन से टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका फेवरेट टॉपिक सिविल सर्विसेज डे, तो 2022 के सिविल सर्विसेज डे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया आउट कैंपेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चल रहा है मालदीव्स के अंदर, राइट। एक प्रकार से बताया जा रहा है कि मालदीव्स के इंटरनेट से जो है ये शुरू हुआ है, राइट। और अपोजिशन जो है वो चला रहे हैं, अपोजिशन नहीं चाह रहे कि इंडियन इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार से इंडियन इंटरफेरेंस है वो मालदीव्स के ऊपर रहे, तो इसके कारण इंडिया और मालदीव्स के इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हैम्पर हो रहे हैं इस आउटसाइड इन्फ्लुएंस के कारण। और रशिया के G20 की बैठक को संबोधित करते ही यूक्रेन मंत्रियों ने कार्यक्रम छोड़ा। तो यूक्रेन, जैसी G20 की एक मीटिंग चल रही थी तो जैसे ही रशियन अथॉरिटीज़ ने बोलना शुरू किया तो काफ़ी सारे यूक्रेन के मेंबर्स जो है वो उठकर चले गए प्रोटेस्ट में कि रशिया ने जो एग्रेशन किया है। ये टॉपिक बहुत समय बाद आया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टाइम बाद ये टॉपिक न्यूज़ में है। 100% मोर्टालिटी रेट है, सभी के सभी सुअर जो है वो उसमें मर जाते हैं, स्वाइन जो है वो सभी के सभी मर जाते हैं, वाइल्ड पिक्स, इवन डोमेस्टिक पिक को भी ये हैम्पर करता है। सो इसके अलावा फिर मैं आपसे लास्ट करेंट अफेयर्स के ऊपर आधारित क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा, प्रीलिम्स की आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सरमट के बारे में, सरमट ICBM रूस ने दागी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, कहते हैं इसे दूसरा शैतान, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और स्टार्टअप्स के बीच एक जॉइंट इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। नाम है इनिशिएटिव का फिनकलवेशन। देन हम लोग यूरोपा के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूरोपा क्या है, तो जुपिटर का मून है यूरोपा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी के ट्रेसेस जो है वो पाए गए हैं, इवन खारे पानी के ट्रेसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नमकीन समुद्र के ट्रेसेस बताए जा रहे हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एक्चुअली एक कमेटी जो है वो बैठी है, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 को एनालाइज कर रही है, और जिसने ये चीज़ बताई है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपने इस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल पर्पस एक्यूजिशन कंपनी क्या होती है, फ्रॉड वाली कंपनी होती है एक्चुअली में, तो इससे बचने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है, जैसे कि इन्वेस्टर्स इससे बचे रहें, इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। फिर अगेन कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा प्रीलिम्स के, फिर हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मतलब एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सॉर्टेड, राइट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो ये बंगाली पोएट और राइटर है। इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनकी एक नोवेल है आनंद मठ, किस बैकग्राउंड के ऊपर आधारित है, सन्यासी विद्रोह।
तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह के बारे में किस नॉवल में मेंशन है, तो आनंद मठ। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, पहले क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, राइट, प्रीलिम्स के अंदर। और पहली, इनकी पहली बंगाली फिक्शन जो है इसका नाम है दुर्गेश नंदिनी, जो कि पब्लिश हुई थी 1865 में। इन्होंने और भी काफ़ी सारी फेमस नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे कि 1866 में पब्लिश होने वाली कपाल कुंडला, 1869 में पब्लिश होने वाली मृणालिनी और 1873 में पब्लिश होने वाली विषवृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में रजनी, 1881 में राजसिम्हा और 1884 में देवी चौधरानी। तो ये फेमस नॉवेल्स हैं इनकी। और इन्होंने एक मंथली मैगजीन भी लेकर आई थी जिसका नाम है बंग दर्शन, 1872 में ये लेकर आए थे। और इनकी जो फिक्शन है जो कि इंग्लिश नॉवल में प्रिंट हुई है, मतलब इंग्लिश नॉवल वाली जो प्रिंटेड वर्जन जो इनका है, वो है राजमोहन्स वाइफ। तो ये जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है इनकी नॉवल्स, इनके वर्क, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है कि बताइए कि ये नॉवल जो है वो किससे एसोसिएटेड है। जितनी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा, राइट। अब आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक गाइस, या मोस्ट फेवरेट टॉपिक, सिविल सर्विसेज डे, राइट, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022। तो इन इस दिवस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल, याद रखना है आपको, 21 अप्रैल आपका दिन है सिविल सर्विसेज डे। तो 21 अप्रैल जो है, अब अच्छा सिविल सर्विसेज डे कौन, मतलब क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कोई बता सकता है कि क्यों 21 अप्रैल डेट को ही चूज़ किया गया, बताओ ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करती है, सिविल सेवा दिवस जो है वो सेलिब्रेट करती है। और इस ओकेशन पर सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, रीडेडिकेट करते हैं अपने आप को सिटीजन्स के कॉज के लिए। सिविल सेवक जो है वो अपने आप को नागरिकों के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं और रिन्यू करते हैं अपने कमिटमेंट्स पब्लिक सर्विस और एक्सेलेंस इन वर्क के लिए, सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये दो फैक्ट बस आपको ध्यान में रखने, एक डेट और क्यों मनाया जाता है ये वाली चीज। अच्छा 21 अप्रैल ही क्यों चूज किया गया, तो 21 अप्रैल 1947 को हमारे पहले होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स को मेटाकाफ हाउस दिल्ली के अंदर एड्रेस किया था, प्रोबेशनर को एड्रेस किया था, राइट। तो ये दिन था 21 अप्रैल का, तो ये इसीलिए 21 अप्रैल की डेट चूज की गई कि पहली बार जो है वो होम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था प्रोबेशनर्स को। तो इसी चीज को लेते हुए ये दिवस की डेट जो है वो डिसाइड की गई। और सिविल सर्वेंट डे के पार्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेजेंट किया जाता है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी जो है वो दिया जाता है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिर्फ जितने फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए उतने इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बस। गाइस मालदीव्स के अंदर चल रहा है इंडिया आउट कैंपेन, ये कैंपेन इंटरनेट से शुरू हुआ है और इस कैंपेन के कारण इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप में दरार आने की काफी ज्यादा संभावना है। मालदीव्स ने इशू किया है एक डिक्री यानी कि एक फरमान जिसके तहत इंडिया आउट कैंपेन को ये बैन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मालदीव गवर्नमेंट डोंट वांट टू डिसरप्ट रिलेशनशिप विद इंडिया, इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मालदीव सरकार नहीं चाहती है, इसलिए ये इस कैंपेन को बैन कर रही है। बट आपको बता दें मालदीव्स के अंदर विपक्षी दल और मीडिया का एक वर्ग भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है उसको बढ़ा रहा है मालदीव्स के अंदर कुछ ग्रुप्स, राइट। एंड इस रिगार्ड में इंडिया आउट स्लोगन पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज किया गया था 2021 में, और इस अभियान में आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग
मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमज़ोर कर रहा है। मतलब इनका कहना यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट मालदीव्स के ऊपर जो इन्वॉल्व हो रही है वो मालदीव्स की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर एक खतरा है, राइट। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जो ध्यान में रखना है। इंडिया आउट कैंपेन अभी न्यूज़ में था, किस कंट्री से एसोसिएटेड, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मालदीव्स, बस आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब हम चर्चा करेंगे G20 के बारे में, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी न्यूज़ में ये G20 का टॉपिक क्यों आया, हालांकि नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बस जनरली सुन लो। तो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनका नाम है जैनेट येलन और उनके काउंटर पार्ट्स यानी कि और भी काफ़ी सारी कंट्री के ट्रेजरी सेक्रेटरी ज़्यादातर वेस्टर्न ब्लॉक के, इन्होंने क्या किया, जैसे ही रशियन ऑफिशियल्स ने G20 फाइनेंस बोफिन सेशन के अंदर बोलना शुरू किया, ये लोग उठकर चले गए। किस चीज़ के प्रोटेस्ट में, तो रशिया ने जो जंग छेड़ी है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो इशू हम लोग को वॉर क्राइम का देखने को मिल रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट का इशू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो वॉर हुआ है, तो इसके प्रोटेस्ट में USA और काफ़ी सारी कंट्रीज उठकर चली गई। और काफ़ी सारी कंट्रीज जिन्होंने इस बहिष्कार को जो है वो ज्वाइन नहीं किया, इनमें इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, और कम से कम 10 ऐसी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज़ के अधिकारी शामिल नहीं हुए इस प्रोटेस्ट में या इवन इस पूरी मीटिंग के दौरान। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग को देखने को मिली। तो पूरा इशू क्या है, तो कंट्री जो है गाइस आज की डेट में रशियन एग्रेशन और वॉर क्राइम्स को जो है वो रेजिस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि रशिया ने जो इलीगल तरीके से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये एक खतरा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इन्होंने डिमांड करी है कि रशिया जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे या उसको करने नहीं दिया जाए। तो ये एक इशू था, एक बेसिक सा जो न्यूज़ में चला था, जो हमारे लिए काम का नहीं, हमारे लिए मेन चीज़ जो काम की है वो है G20। तो G20 एक एनुअल मीटिंग है गाइस, तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली, बढ़ने वाली जो इकोनॉमीज हैं, जो कंट्रीज़ हैं, अर्थव्यवस्था जो है, देश जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उनके लीडर्स का ये ग्रुप है G20। इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें तो सभी कंट्री को अगर आप इकट्ठा कर दें तो पूरे दुनिया भर की GDP का 85% कंट्रीब्यूट करती हैं ये पूरी कंट्रीज, और पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा जो है वो इन कंट्री का ही हम लोग को देखने को मिलता है। G20 समिट जो है उसको फॉर्मल तौर पर औपचारिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। और इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो G20 कब एस्टैब्लिश हुई थी, जब 1997 और 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई थी, वित्तीय संकट आ गया था, तब उस समय ये नीड पैदा हुई कि बड़ी बड़ी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग और लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है वो एक साथ इकट्ठा हों और ग्लोबल इशूज़ पर बात करें। किस टाइप के ग्लोबल इशूज़, इनिशियल उनका इंटरेस्ट था फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, कि किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, वो पहले से प्लानिंग करें मिलकर। फिर बाद में जाकर इन्होंने अपने मीटिंग्स के दौरान और भी जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया। और G7 फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्री किया कि चलो एस्टैब्लिश करते हैं G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग को, और ये डिसीजन ले लिया गया 1999 के दौरान। तो G7 ने बर्थ दिया है G20 को, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इस ग्रुप का कोई भी परमानेंट स्टाफ इनके खुद का नहीं है, हर साल दिसंबर में G20 कंट्री जो है उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है, राइट, रीजन वाइज क्षेत्र के आधार पर, और जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है वो कंट्री नेक्स्ट समिट जो है, अगली समिट जो भी होती है G20 की, वो ऑर्गेनाइज करती है और छोटी छोटी मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करती हैं। ये इवन G20 के अंदर अपनी फ्रेंड कंट्री को भी इनवाइट कर सकती हैं एज अ गेस्ट के तौर पर, नॉन मेंबर कंट्रीज को भी गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर सकती हैं जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी में होती है। और पहली G20 मीटिंग जो है वो बर्लिन के अंदर 1999 में हुई थी, वो भी ईस्ट एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, राइट, तो जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई दिया। और फुल मेंबरशिप G20 की कौन सी कंट्रीज हैं,
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। अगर मैं आपसे पूछूं G20 में कितनी कंट्रीज़ हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 20 नहीं, 19+1, क्योंकि वन यूरोपियन यूनियन है जो अपने आप में 27 देशों का एक संघ हम लोग को देखने को मिलता है आज की रेट में। 2022 में 27 देशों का संघ है, पहले 28 का था, ब्रेक्सिट होने के बाद ये 27 का बच गया। तो 19+1 लिखना अगर कंट्रीज पूछ ली जाए, और अगर मेंबर पूछ लिए ना तो 20 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 20 कंट्रीज को, पूरा संघ है ये, सॉरी 27 कंट्रीज को। क्लियर? तो ये चीज़ इस तरीके से आपको मेंशन करना है। तो ऐसे बदला, जब समय जो है वो बदल गया तो इस ग्रुप की क्या रेलिवेंस है बदलते हुए समय में। तो रिसेंटली G20 समिट का ना ही सिर्फ फोकस मैक्रो इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया व्यापार के ऊपर, अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर ये ध्यान नहीं रखती, बल्कि जो वैश्विक मुद्दे होते हैं, ग्लोबल इश्यूज होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, राइट, हेल्थ से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, राइट, तो ऐसे जो इश्यूज हैं, राइट, माइग्रेशन, रेफ्यूजी से रिलेटेड, तो ऐसे इश्यूज जो है उसको भी टैकल करने के लिए ये डिस्कशन करते हैं, राइट, इमर्जिंग इकोनॉमीज। और G20 जो है गाइस ये एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के ऊपर फोकस करती है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू, राइट, ग्लोबल इशूज को रिजॉल्व करते हुए। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ G20 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और न्यूज़ क्या थी, हालांकि न्यूज़ वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन जो चीज़ थी जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी वो G20 थी, राइट। वेरी गुड, राम यादव जी, दिसंबर के लास्ट वीक का लेक्चर जो है वो अपन संडे को ले लेते हैं, अपकमिंग संडे को ले लेते हैं, मुझे एक बार बस फ्राइडे को याद दिला देना, सैटरडे या संडे को ये लेक्चर ले लेते हैं, दिसंबर का फिनिश करते हैं आपका, ठीक है, मुझे एक बार बस फ्राइडे को नोटिफिकेशन दे देना, मतलब वो मैसेज डाल देना। चलो, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, त्रिपुरा में हालत खराब है गाइस, त्रिपुरा के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर हमें देखने को मिल रहा है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पिग्स जो होते हैं, जो सुअर जो होते हैं, चाहे वो जंगली सुअर हो या डोमेस्टिक सुअर हो, इनको ये बीमारी हो जाती है। बहुत तेज़ी से फैलने वाली ये बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और फटाल एनिमल डिजीज़ है। इस डिजीज़ के कारण, इस बीमारी के कारण जानवरों की जो है वो मौत हो जाती है, और इसमें जानवरों को एक्यूट हेमरेज फीवर होता है। और पहली बार ये अफ्रीका के अंदर 1920s में डिटेक्ट हुई थी। इसकी मॉर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो 100% है, मतलब जिसको भी ये बीमारी हुई सुअर को, वो सुअर मर जाएगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। एक लौता तरीका है जानवरों को जान से मार देने का, और एज ऑफ नाउ कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन इस बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। तो ये फैक्ट थोड़े से आपको ध्यान में रखना है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपसे इंटरव्यू में बाई चांस, पर्सनैलिटी टेस्ट में बाई चांस पूछ लिया जाए कि क्या आप जानवरों की मौतों को सपोर्ट करते हो, जानवर की मौतों को सपोर्ट करते हो, ऐसा करें क्वेश्चन, क्योंकि वो तो देखो क्या है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है कि आप हर डायरेक्शन से चीज़ों को देखें। कुछ लोग एकदम भड़क जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो अपने एथिक्स दिखाएंगे जानबूझकर, वो भी फेक काफ़ी सारे लोग। आप किसकी बात करोगे पता है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको वो चाहिए भाई, सामने वाला आप में एक ऑफिसर की क्वालिटी देख रहा है। इवन मेंस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर ज़रूर मारना, राइट, कि जब भी कभी कोई ऐसी बीमारी जानवरों को लग जाती है तो नीड पड़ती है जानवरों को मारने की, क्योंकि वो बीमारी जिससे दूसरों में ना फैले। तो यही चीज़ वो आपसे सुनना चाहते हैं और आप उनको बत्ती देते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट लिखने लगते हैं ब्लाइंडली कि नहीं जानवरों को नहीं मारना चाहिए, वी हैव टू प्रोटेक्ट, एवरीवन नोज दैट, बट भाई उन्हें तो ऑफिसर चाहिए ना, तो ऑफिसर तो ये भी बोलेगा कि भाई जानवर को मारना भी जायज़ है। अब आप सोचो, आपसे सवाल आया कि जानवर को मारना जायज़ है क्या, आप बोल दो हाँ जायज़ है, दो मिनट के लिए सामने शौक जायज़ है बोल रहा है, फिर बोलो कि कई बार जानवरों को ऐसी बीमारी लग जाती है जो
बहुत तेजी से फैलने वाली होती है, फटाल डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़, जिसके कारण दूसरे जानवरों की मौत हो सकती है। तो इसलिए हमें जानवरों को मारना पड़ता है, ये मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास उसका क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, और साइड बाय साइड हमें उसके इलाज पर काम करना है। ये वो चीज़ आपसे सुनना चाहते हैं। ये चीज़ तो सबको पता है कि जानवर को नहीं मारना है, एथिक्स तो सभी लोग बताते हैं, वो भी काफ़ी सारे लोग तो फेक बताते हैं जानबूझकर पर्यावरण में, बट ये चीज़ वो आपसे सुनना चाहते हैं। ये चीज़ सुनाना, मज़ा आ जाएगा। मेंस के आंसर में भी ये चीज़ लिखना कि एक लाइन में जैसे लिखोगे आप कि जानवरों को मारना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, सामने लोग अरे कैसी बात कर रहा है ये, फिर नीचे लाइन में लिखो कि काफ़ी सारे डिजीज़ होती, तब सामने लोग लगेगा अरे वाह यार क्या बात है, यही तो सही है हमें ऑफिसर, ऐसी तैयारी रखनी है आपको। ठीक है, इस केस में हाथ नहीं कटता ना, इस केस में जान से मारना पड़ता है। इंसानों के अंदर ट्रांसमिशन के केस अभी आए नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो अब आओ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें। नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यही तो उलझा रहे थे हम आपको, यही तो उलझाना था। डैंटन एंड कौन बनेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तो नॉइज, अब आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है तो उससे निकलने वाली आवाज को आप नॉइज नहीं बोलोगे क्या? तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। इंडिया के अंदर नॉइज जो है क्या वो एयर पोल्यूटेड नहीं है? है एयर पोल्यूटेड, कल ही हमने डिस्कस किया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर सी होगा या डी होगा? करेक्ट आंसर है सी। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। बताओ 167 का क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ, टाइम क्यों लगा रहे हो इतना ज्यादा? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इसे नेट पोल रेक्स 8 को कंडक्ट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और ये अभी कंडक्ट हुई है गोवा में मोरमुगांव हार्बर, मोरमुगांव जो बंदरगाह है गोवा का, वहाँ पर। इसका मेन एम क्या है कि जो भी प्रोसीजर और गाइडलाइंस मेंशन्ड है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान में, तो उसको वैलिडेट करना, उसकी पुष्टि करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। का सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर गिवन बाय आलिया जी, अर्पिता जी, वेरी गुड। 168, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट।
बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। 168 का सी, सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल, नहीं नहीं एक मिनट रुको, पूरे दुनिया भर में ट्रेडिशनल सेंटर जो है वो और भी काफ़ी सारे हैं। इंडिया के अंदर WHO का ये पहला हम लोग को देखने को रहा है, ये WHO की नहीं बातों कर रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये भी होगा, मतलब UPSC अगर चाहे तो इस स्टेटमेंट को गलत भी कर सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर WHO की तो बात नहीं की गई, दूसरे तो हो सकते हैं राइट, उनका खुद का हो सकता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन राइट, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करना आप राइट। तो ये हो सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से गलत भी जो है वो आपको बता दिया जाए, तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको तरीके से हम लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर बताओ, का अरे भैया क्या लिखा है, ये इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट, हड़बड़ी किस बात की है। छोटी छोटी बस गलतियां, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट रुकना यार, एक चीज दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर शुड बी डी, समझे। ये गलती मत करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, कल ही टॉपिक आपके ये सब क्लियर हुए हैं। बताओ जरा, कल ही पढ़ा हमने महारानी जिंदन कौर के बारे में, दलीप सिंह इनके पुत्र, सिख एम्पायर के आखिरी शासक। 170 का सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टली गिवन बाय अर्पिता जी, उससे पहले रवि जी ने दे दिया था, उसके बाद फिर आलिया जी, वेरी गुड। 171 गुरु तेग बहादुर, का सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टली गिवन बाय रवि जी, अर्पिता जी, वेरी गुड, आलिया जी, वेरी गुड। सरमाट ICMB, सरमाट क्या है गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है कि रशिया की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो याद रखिएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो रिसेंटली टेस्ट लॉन्च करी है रशिया ने इसको, ये नई मिसाइल है हाईएस्ट टेक्टिकल और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये फैक्ट डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है सरमाट से रिलेटेड कि क्या है ये, तो रशिया की मिसाइल है बस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और स्टार्टअप के बीच एक जॉइंट इनिशिएटिव
हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आती है ये। और स्टार्टअप्स ने लॉन्च किया है एक फिनकलवेशन। क्या किया है? फिनकलवेशन, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ये फिनटेक स्टार्टअप्स के कोलैबोरेशन के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके तहत ये क्रिएट करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में ये फिनकलवेशन एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टार्टअप जितने भी हैं जो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर देंगे और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशन के अप्रूवल के बाद वो सॉल्यूशन जो है वो नेशनल लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो ये एक चीज़ है सिंपल सी, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और फिनकलवेशन जो है ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है, जिसके तहत क्रिएट किया जा रहा है एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टार्टअप कम्युनिटी आएंगी और वो साथ में मिलकर बिल्ड करेंगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। किस पर्पज़ के लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज़ के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ें, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ें। फिनकलवेशन जो है ये परमानेंट प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट का, राइट? और यहीं पर ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है वो बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे स्टार्टअप्स के साथ। तो सिंपल सी चीज बस ये आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यूरोपा जो है वो क्या है? तो यूरोपा मून है। किसका मून है? जुपिटर का मून है। तो नई रिसर्च में एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि जुपिटर के यूरोपा में नमकीन समुद्र है, और क्या वहां पर जीवन संभव हो सकता है, इस पर रिसर्च चल रही है। और बहुत ही जल्दी बताया जा रहा है कि एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2024 में। नासा जो है वो लॉन्च करेगी यूरोपा क्लिपर मिशन को, जिसके थ्रू जुपिटर के इस मून पर ये चक्कर लगाएगा स्पेसक्राफ्ट, और ये वेरियस इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगा, राइट? किससे रिलेटेड? यूरोपा से रिलेटेड, यूरोपा के मतलब जुपिटर के मून से रिलेटेड, कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा, राइट? और आपको कुछ फैक्ट जो है वो बताएं, जैसे कि अभी रिसर्चर्स ने पाया है कि यहाँ पर काफ़ी सारा वाटर पॉकेट्स है, काफ़ी सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर पानी होने की संभावना है, और जो इस प्रकार के वाटर पॉकेट्स हैं उसे डबल रिजेस कहा जा रहा है। और ये जो डबल रिजेस हैं ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जो कि हमारी धरती के ग्रीन लैंड आइस शीट पर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब बिल्कुल धरती पर जिस प्रकार से समुद्र में जो बर्फ जो है वो जम जाती है, आइस शीट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वैसे ही सेम चीज़ जो है वो जुपिटर के मून पर कुछ नज़र आई है। और जुपिटर का मून यूरोपा जो है उसका सरफेस मोस्टली सॉलिड वाटर आइस का सरफेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? और यूरोपा जो है वो धरती के मून से थोड़ा सा छोटा है, और उसका जो डायमीटर है वो धरती के कंपैरिजन में 1/4 हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब 25% धरती का, 25% इसका, मतलब धरती के डायमीटर का 25% इस मतलब यूरोपा का डायमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बहुत ही थिन लेयर है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की यहाँ पर, राइट? और डायमीटर जो है ये धरती से कम है, और यूरोपा फिर भी हमें देखने को मिलता है कि पानी धरती के ओशियन से ज़्यादा रखता है, डबल की संख्या में रखता है। मतलब धरती से छोटा आधा होने के बावजूद, 25% होने के बावजूद, मतलब धरती अर्थ से हम लोग कंपेयर करें तो 25% उसका डायमीटर, धरती के डायमीटर से उसका डायमीटर यूरोपा का 25% है। उसके बावजूद धरती पर, ओशियन पर जितना पानी है उससे डबल यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट? तो ये कुछ फैक्ट है, बट आपसे तो यही पूछेंगे कि यूरोपा जो है वो क्या है, तो जुपिटर का मून है। बस ये थोड़ा सा फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना। और हमारे मून से भी ये छोटा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, धरती के डायमीटर का 25% ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल फैक्ट, और ये यूरोपा क्लिपर भी ध्यान में रखना कि नासा का ये मिशन है, 2024 में नासा से लॉन्च करेगी, दैट्स इट। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे मेंस में ज़रूर पूछा जाएगा। आपको बता दें एक स्टैंडिंग कमेटी है साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की, जिसके हेड हैं राज्यसभा के मेंबर जयराम रमेश जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, और रिपोर्ट ने एनालाइज किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 को, जो कि दिसंबर 2021 में लोकसभा पर रखा गया था। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो जनरली आती है
तो ये होता क्या है कि बिल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसको चेंज करने की या उसको अमेंड करने की रिकमेंडेशन देते हैं, यही होता है जनरली। बट इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसी चीज पर बात की गई है जिसके बारे में बिल ने मेंशन ही नहीं किया, यानी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट HAC। तो इसी चीज के सवाल पर इस बिल के अंदर क्वेश्चन जो है वो मेंशन है, सवाल मेंशन है कि भैया क्यों आपने ऐड नहीं किया। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर मुद्दा है, इसको तो आपको डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में रखना चाहिए था, बट आपने नहीं रखा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और कहा है कि ये एक ऐसी चीज है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे रिलेटेड आपको कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो रिपोर्ट ने रिकमेंड किया एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में, कहा कि एक कमेटी बनाऊंगा, राइट, जिसके हेड होंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राइट, जो जो है जो इस कमेटी के साथ जो है वो हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जिससे कि ये कानून प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके। तो ये चीज पहली इन्होंने बताई। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि ये जो कमेटी होगी, राइट, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिनके पास इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, किस पर्पस के लिए, इफेक्टिव तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स उस क्षेत्र में आ रही हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उस क्षेत्र में जिस चीज के कारण हो रहा है उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन गैदर करें और प्रॉपर प्लान बनाएं जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि रिकमेंडेशन दे कि आप क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करो, राइट, जिससे कि जो जानवर जो है वो आपके क्रॉप्स मतलब खाने के लिए जो वहां पर ना आए, तो ऐसी ही कुछ वो सिफारिश दें, रिकमेंडेशन दें, जिससे कि जानवरों को दूर भगाया जा सके, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है उससे दूर रहे जानवर, राइट। ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहेंगे तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के पास वो नहीं आएंगे, एनकाउंटर नहीं होगा दोनों का, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। सो WWF और UNEP की भी एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो रिपोर्ट का टाइटल था अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इसे रिलीज किया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जुलाई 2021 में। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में बात करें गाइस, तो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा ही है। इसके कारण बहुत सारे जानवरों की जान जाती है और ह्यूमंस की जान जाती है। पूरे दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो मौतें हुई हैं, ये पूरे दुनिया भर की जो वाइल्ड कैट स्पीसीज है, जंगली बिल्लियां जो पूरे दुनिया भर की हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनकी मौत के लिए ये 75% उनकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ह्यूमंस के कारण जो है मौत हुई है 75% पूरे दुनिया भर की जंगली बिल्लियों की। और इवन पोलार बियर्स, मेडिटेरेनियन मॉन्क सील और बड़े बड़े हर्बीवोर्स जैसे कि एलिफेंट्स, तो ये सब भी जो है इनकी मौतें जो हुई है वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुई है। पूरे दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है उसमें गिरावट आई है ऑन एन एवरेज 68% 1970 से, और उसकी मोटी मोटी वजह जो है वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है। 500 से भी ज़्यादा एलिफेंट मारे गए हैं इंडिया के अंदर 2014-2015 में और 2018 और 2019 के बीच में, यानी कि अब सिंपल शब्दों में 2014 से 19 के बीच में 500 से भी ज़्यादा एलिफेंट्स हाथियों की मौत हुई है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और सेम पीरियड में 2361 लोगों की भी जान गई है, राइट, एलिफेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। तो ह्यूमंस की भी मौतें हुई हैं, एनिमल की भी मौतें हुई हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इंडिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण, क्योंकि एक तो पहली बात तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, पूरे दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग पॉपुलेशन के मामले में, और हमारे यहाँ टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट्स हो गए, वन हॉर्न डायनासोरस हो गए, एशियाटिक लायंस हो गए, और भी दूसरी स्पीसीज की संख्या भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो करना क्या चाहिए, तो हम कैसे जो है वो इरेडिकेट करें ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। तो देखो पूरी तरह से इसको समाप्त करना पॉसिबल नहीं, बट हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान्स बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस घटनाओं को कम करें, जिसके थ्रू जो एनिमल और ह्यूमन जो है वो एनकाउंटर ना कर पाए, एक दूसरे के आमना सामना उनका ना हो पाए। तो इस चीज़ पर हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया जो हमें देखने को मिलती है, WWF इंडिया जो है, इसने डेवलप किया है एक सोनितपुर मॉडल। सोनितपुर आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था 2003 और 2004 के समय पर, जहां पर ये कम्युनिटी मेंबर जो हैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो आम जनता है, लोग हैं, तो उनके उनके कॉन्टेक्ट में आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन आम जनता को, वहाँ पर रहने वाली जनता को ट्रेनिंग देती है कि आपको कैसे एलिफेंट्स को भगाना है, हाथियों को वहाँ से भगाना है और अपने क्रॉप्स को सेफ रखना है। WWF इंडिया जो है इसने इवेंट डेवलप किया है लो कॉस्ट सिंगल स्ट्रैंड नॉन लीथल इलेक्ट्रिक फैंस को, ऐसे इलेक्ट्रिक फैंस जिसके कारण मतलब जानवर की मौत ना हो, मतलब जिसे टकरा कर एकदम चमक जाए जानवर और भाग जाए वहाँ से, तो ऐसे भी फैंस, सेफ फैंस जो है वो हमने तैयार किए हैं। फिर इसके अलावा एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी अप्रूव की गई है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की हमें देखने को मिली थी, तो एक एडवाइजरी जो है वो मतलब उसको अप्रूव जो है वो किया गया है, सलाहकारी निर्देश को अप्रूव जो है वो किया गया, जिसके अंदर बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है उनको पावर दी जाएगी, ग्राम पंचायत जो भी इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि विलेजेस के अंदर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, विलेजेस के अंदर जो भी हो रहा है, तो उससे डील करने के लिए ग्राम पंचायत जो है वो वेरियस पॉलिसीज तैयार करे, वेरियस रिकमेंडेशन दे, प्लान्स के बारे में जानकारी दे, राइट। और इवन जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि किसान जो है उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार उनको पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती है, राइट, वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से, राइट। तो ये चीज़ आपको पता है, ये बीमा है, इंश्योरेंस है, क्रॉप का इंश्योरेंस है, जिसके बारे में आपको आइडिया, हमने पढ़ा भी है पहले। तो आपको ये भी पता है कि काफ़ी सारी स्टेट जो है वो एड ऑन सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकती हैं, जिसमें ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके अलावा आप देखो, जानवर जो है वो बाहर क्यों आते हैं, खाने की तलाश में, तो आप उनके फॉरेस्ट में उनके लिए भरपूर खाना रख दो ना, तो जिससे कि वो बाहर ना आए, कि उनको वहीं के वहीं खाना मिल जाए। जैसे आपको लग रहा है कि किसी गांव में बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो वो पॉइंट आप फाइंड आउट करो जहाँ से ये जानवर जो है वह एंटर करते हैं, और वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा अंदर फॉरेस्ट में उनके लिए भरपूर खाना रखो, राइट, जिससे कि वो वहीं पर खाएं, यहाँ पर आगे जो है वो ना बढ़े। और इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो है स्टेट और लोकल लेवल पर, राइट, तो ये भी एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को अडॉप्ट करो, बैरियर्स क्रिएट करो, डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम्स तैयार करो टोल फ्री हॉटलाइन नंबर के साथ जो कि 24/7 बेसिस पर ऑपरेट करें। तो ये सब रिकमेंडेशन आप अपने मेंस के आंसर में जो है वो लिखेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नहीं देखो क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि दूसरे प्लैनेट्स के अंदर कई केसेस में हम लोग एग्जैक्टली वाटर ना लिखकर लिक्विड लिखें, याद आ रहा है आपको, ये वाले पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, कई केसेस में वाटर ना लिखकर हम लोग लिक्विड जो है वो मेंशन करें, राइट। तो जो आपका जो सवाल है कि यार ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, उसकी एक और चीज़ भी बताई गई, एटमोसफियरिक ऑक्सीजन, कि एटमोसफियर में ऑक्सीजन कम है, भाई ये थोड़ा ना बताया कि अंडर वाटर जो है वो ऑक्सीजन कम है, तो दोनों चीज़ में डिफरेंस है। बट फिर भी जब भी उपयोग करो तो लिक्विड वाटर ऐसे करके उपयोग कर लो, या वाटर इन आइस फॉर्म ऐसे करके उपयोग कर लो आप। आलिया जी ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि इसका नाम यूरोप के नाम पर रखा है, उसका आकार उसके जैसा है। अच्छा ऐसा है क्या कुछ, ऐसा इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने अगर ये फैक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको वैलिडेट कर लेना ऑफिशियल सोर्सेज से, हमेशा जो भी कुछ फैक्ट हो उसको ऑफिशियल सोर्सेज से ही वैलिडेट करो, इधर उधर से नहीं। ऑफिशियल सोर्सेज मतलब ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, दो मिनट यहाँ पर रोकेंगे और पहले ये समझेंगे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी नाम से क्या समझ में आ रहा है। एक्विजिशन कंपनी, पहली चीज तो एक समझ में आ गई कि ये ऐसी कंपनी है जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड है। क्या होता है एक्विजिशन, हम बोलते ना कि एक एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ये एक्विजिशन कंपनी, ये ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनी को परचेज करने का काम करती है, मर्जर का काम करवाती है, दो कंपनी के बीच में डील करवा के उसको मर्ज करवा दिया,
दो एक कंपनी को अपने अंडर जो है वो कर लिया, तो एक्यूजिशन कंपनीज। तो जब भी ऐसी कोई डील आती है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को परचेस करती है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को परचेस करने के लिए पैसा लगाती है, तो ऐसी डील जो होती है तो उस डील से सतर्क रहने के लिए आरबीआई ने कहा है, इससे रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अब आप बोलोगे कि क्यों रहना है। गाइस देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक को समझाता हूं, ये एग्जैक्टली फ्रेमवर्क है। क्या होता क्या है, जनरली कई सारे फ्रॉड होते हैं। आपको शेल कंपनीज के बारे में पता है? शेल कंपनीज कई बार ये जो SPACs जो होती है ना, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ये शेल कंपनी होती है। ये सिर्फ पेपर में होती है, उनका अस्तित्व नहीं होता, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, सिर्फ ऑन पेपर में। दीज कंपनीज एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दैट इज कॉल्ड शेल कंपनी। सिर्फ पेपर पर रहती है, राइट? दिखाने के लिए अपना ट्रांजेक्शन वगैरह वो नकली तरीके से दिखा देते हैं और पूरे काले पैसे को वाइट कर देते हैं, या कई बार इस शेल कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टर से पैसा लगवा देते हैं और डंप कर देते हैं इन्वेस्टर का पैसा। तो ये होता ही है। अब किसी काफी सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, कॉमन मैन कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? अरे उन्होंने पैसा लगा दिया तो मैं भी पैसा लगा देता हूँ, या कॉमन मैन पूछता है कि यार किस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, बता यार जरा मैं उसमें पैसा लगाऊँ, ये कॉमन मैन की थिंकिंग है। बट आप लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग प्रॉपर तरीके से, राइट? दिमाग लगाओ, पढ़ो, उसके बाद कैलकुलेटिव, मतलब स्ट्रेटेजिक की जगह कैलकुलेटिव, कि कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करो। कैसे कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करोगे? मार्केट को देखो, राइट? कि मार्केट में कौन सी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑलरेडी अंदाजा लग जाता है, आपको पता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो सरकार कहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, आने वाले सेक्टर्स कौन से होने वाले हैं, किन सेक्टर्स पर ज़्यादा ग्रोथ होगी, आप जानते हो किन सेक्टर पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगी। यू गाइस नो अबाउट इट, रेगुलर बेसिस पर हम उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को। आपको पता है आज की डेट में फिनटेक ग्रो करेगा, आपको पता है टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर जो है आज की डेट में ग्रो करेंगे, 5G वाली अगर कोई कंपनी आती है तो वो ग्रो करेगी, यू नो अबाउट इट, वो तो 100% पैसा वहां पे लगाना है। तो ये क्या है? कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, गॉट इट? बट लोग गलती करते हैं। लोग किस चीज की गलती करते हैं? अरे उस फलाना व्यक्ति ने पैसा लगा दिया तो हम भी लगा देंगे। तो ये काफी सारी कंपनी क्या करती है, खेल खेलती है। अब ये एक कंपनी डूब रही है, इसने क्या किया, इसने बोला एक दूसरी कंपनी को इसने शेल कंपनी के तौर पर बना दिया, तैयार कर दिया। और एक बड़े व्यक्ति, बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनके पीछे पूरी भीड़ आ जाती है। एक बड़े इन्वेस्टर को इन्होंने परचेज किया, खरीदा, उसको लालच देकर कि तुम्हें इतना दे देंगे पैसा, ये वो, आ जाओ। उस व्यक्ति ने उस शेल कंपनी के अंदर पैसा लगाया और मीडिया में हाईलाइट लाइन आ गई, मतलब हेडलाइन चल रही है कि फलाना व्यक्ति ने जो है उस पर अपने शेयर जो है वो खरीद लिए, इन्वॉल्वमेंट उसका आ गया है। तो उसको देखकर सभी लोग आ जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको पता होगा आईपीओ के बारे में, आप लोग इन्वेस्टमेंट भी शायद करते होंगे, तो वो आईपीओ उसका जारी करता है, आईपीओ जारी करना, भीड़ आ गई एकदम से, सबका पैसा आ गया। और जिस दिन वो कंपनी लिस्ट हुई उस दिन उन्होंने घोषित कर दिया कि कंपनी लॉस में चल रही है। जैसे 500 रुपये का उसका शेयर था, 2 रुपये का शेयर हो गया उसका, खत्म, इन्वेस्टर्स का दिवालिया निकल गया। ये खेल होता है। तो इस खेल से बचने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करने की बात करी है आरबीआई ने। तो गवर्नमेंट जो है गाइस ये विचार कर रही है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। और स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी क्या होती है इसका आपको आइडिया लग चुका है। एक बार बस मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि थ्योरी पहले पढ़ लेते हो तो उसमें कई बार चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं, इसलिए मैंने आपको सिंपल शब्दों में पहले समझा दिया, जिससे कि अब जब थ्योरी पढ़ोगे फिर से, तब आपको, मैंने फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर सुनना है पहले पीडीएफ पढ़ने के बाद। पहले पीडीएफ आपको मिलती है, आप पहले पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद फिर लेक्चर सुनिए, तब आपको लेक्चर की जो क्लैरिटी समझ में आएगी और जो पूरी चीज़ दिमाग में प्रॉपर बैठेगी उससे आपका फ़ायदा होगा। तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, या फिर इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं, ये ऐसी कंपनी होती है जो कि सेटअप होती है किस ऑब्जेक्टिव से, एक्वायरिंग अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, एक सेक्टर में एक फर्म को एक्वायर करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए।
मेन एम क्या है कि पैसा उठाना आईपीओ के माध्यम से, बिना किसी ऑपरेशन किए, बिना किसी रेवेन्यू के पैसा उठाना। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक का पैसा उठा के डुबा दो, इन्वेस्टर को सड़कों पे ले आओ। सो मनी जो है, जो ये इस प्रकार से पब्लिक से उठाई जाती है, ये एक एस्क्रो अकाउंट पर रखी जाती है, थर्ड पार्टी अकाउंट पर रखी जाती है, राइट। और जिस अकाउंट की एक्सेस भी किया जा सकता है एक्यूजिशन के समय पर, राइट। बट एक्चुअली में जो लीगल जो होते हैं, लीगल तरीके से जो एक्यूजिशन होती है, तो उसी में ही एस्क्रो अकाउंट होता है, बाकी इलीगल तरीके से एक्यूजिशन में एस्क्रो अकाउंट नहीं होता है। और अगर एक्यूजिशन 2 सालों के अंदर नहीं लिया गया, तो स्पेशल पर्पस एक्यूजिशन कंपनी जो है वो डीलिस्ट हो जाती है और पैसा जो है वो इन्वेस्टर को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का खेल रहता है इनके पास 2 सालों का। ये पहले अनाउंस कर देते कि 2 साल बाद ये फलाना कंपनी हम लोग खरीदेंगे, और वो कंपनी जो होती है वो शेल कंपनी होती है, और 2 साल के अंदर उस कंपनी को बिल्कुल ही इतना बेहतरीन बना के दिखाते हैं पब्लिक के बीच में कि अरे ये तो अनाप शनाप प्रॉफिट देने वाली है, जिसका भी मन करे फटाफट डाल लो, फटाफट डाल दो, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं अननेसेसरली। आपको याद है अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पर फ्री फोकट पे शेयर की एडवाइस देते हैं, वो देना बंद कर दें, राइट, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पता है ना आपको ये वाली चीज़ आई थी, क्यों आई थी वाली चीज़? बिकॉज कई बार जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं बहुत भारी, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी एक चीज़ कहने से लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इन्फ्लुएंस होने के बाद उस चीज़ को वो करने लगते हैं। तो एक बात हमेशा मेरी ध्यान में रखो, भले ही आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाओ, किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस मत करना। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड फैक्ट नहीं पता, सामने वाले को बता दो कि एक बार चेक कर लेना फैक्ट, बट किसी को गलत एडवाइस मत देना, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल आपकी गलत एडवाइस से सामने वाले की ज़िंदगी भी तो ख़राब होगी होगी। साथ ही साथ सामने वाला, देखो क्या होता है, एक्शन पेनल्टी ये लगवाते हैं, क्योंकि एक्शन और पेनल्टी से बचा भी जा सकता है, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट आप किसी की बद्दुआ से कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? आप किसी को अगर गलत रास्ता दिखा रहे हो, सामने वाले ने बोल दिया कि अरे यार उस व्यक्ति के पास में गया था, उसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको कोस देगा, कैसे बचोगे? अरे ऊपर वाले से कैसे बचोगे, वो तो देख रहा है ना। तो इसलिए हमेशा अपने आप को एक ही चीज़ सोच कर करो, जो भी काम कर रहे हो, यार मेरे काम से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसा काम करूँगी, ठीक है। सो ये इतने अट्रैक्टिव क्यों होते? तो एसेंशियली ये शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनीज कौन सी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, कि जो इन्हें स्पॉन्सर करते हैं, ये खड़ा कर देते हैं बहुत नामी जामी नाम, पूरे दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट नेम्स वाले जो लोग होते हैं, उनको पैसा खिला के बोल देते हैं बस तुम अपना नाम दे दो यार कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट्स इट। तो ये वो अपना नाम देते हैं, बिक जाते हैं वो लोग, और जैसे ही वो बिके तो फायदा तो उनका हो गया जो बिक गया, बट उनके पीछे जो उनके इन्फ्लुएंसर है उनका नुकसान हो जाता है। तो चिंता वाली बात यही है कि मार्च पिछले साल की बात है, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जारी करी एक इन्वेस्टर अलर्ट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के लिए, और इन्वेस्टर्स को वार्निंग दी, चेतावनी दी कि कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो SPAC से रिलेटेड किसी सेलिब्रिटी के इन्वॉल्वमेंट के कारण ना लें, कि कोई सेलिब्रिटी आ गया तो आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। भैया किसी और के चक्कर में अपना बुरा मत होने दो, आपके पास भी दिमाग है, खुद का दिमाग लगाओ ना। किसी ने कह दिया कि अरे ये करना, तो आपने वो करना शुरू कर दिया, क्यों? अपना दिमाग नहीं लगा सकते, अपना दिमाग लगाना है। ये प्रिंसिपल सिर्फ इस चीज़ में नहीं, हर चीज़ में एप्लीकेबल होना है। अपना दिमाग स्वयं लगाओ, किसी और के कहने पर कभी मत आओ, राइट, क्योंकि आप समझदार हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर वही तो होता है, दूसरा किसी ने बोला उस चीज़ को वो एनालाइज करेगा कि भाई सही है कि गलत है, और फिर अपना खुद का डिसीजन लेगा। सो इन्वेस्टर्स डूब जाते हैं बेचारे मर्जर के बाद, और काफ़ी सारे ऐसे क्लॉजेस जो होते हैं जिसके कारण इन्वेस्टर्स को पैसा वापस नहीं मिल पाता, राइट। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1145 IPO ब्लैंक चेक कंपनीज के हम लोग को 2009 के बाद से देखने को मिले, यानी कि इस प्रकार की एक्विजिशन कंपनीज के हम लोग को 2009 के बाद से देखने को मिले, और 248 2020 में हुए, 613 2021 में हुए, 58 अभी 2022 में अभी तक हुए हैं, और बताया जा रहा है कि 83 बिलियन $ के अमाउंट की कंपनी जो है वो उठाई गई 2020 में, 162 बिलियन $ 2021 में उठाया गया, और 2022 के लिए तो 10 बिलियन $ अभी तक ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है,
तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं मेनली आपको इसके अंदर। ऐसे भी ये इसके बारे में पता होना चाहिए, SPACs के बारे में और शेल कंपनीज के बारे में, और पूरा आइडिया आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से लग गया होगा। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया बताओ निगम जी, बताओ कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर से समझा देंगे आपको। 172 है, इंडियाज फर्स्ट प्योरेस्ट ग्रीन प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशनड इन जोहरत असम। अच्छा, ऑयल एंड नेचुरल गैस के द्वारा तो नहीं है, ऑयल के ऑयल ने इस चीज को किया है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और आपसे क्या पूछा, करेक्ट पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ए। तो करेक्टली गिवन हुआ है 172 का रवि जी, प्राची जी एंड देन अर्पिता जी, वेरी गुड। 173rd, अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया होगा तब उस समय बोल रहे होगा अभी समझ में नहीं आया, आप तो समझ में आ गया ना, क्योंकि मुझे पता था थ्योरी पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। आई नो वेरी वेल, कभी कभी कुछ टॉपिक को थ्योरी के थ्रू नहीं पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक पर रुक कर आराम आराम से पढ़ना चाहिए। या तो मैं बैठा ही हूँ आपको क्लियर करने के लिए, टेंशन लेनी ही नहीं है। अरे ये लास्ट नहीं है क्या स्कॉर्पियन क्लास की, लास्ट है ये 173 का सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टली गिवन बाय रवि जी, आलिया जी एंड देन निगम जी, वेरी नाइस। वर्कशीट कल ही तो डिस्कस किया था, सरमट के बारे में तो आज ही डिस्कस किया हमने। बी इज द करेक्ट आंसर, रवि जी ने पहले दिया, फिर अर्पिता जी ने, फिर आकांक्षा जी ने, वेरी गुड, क्योंकि ये रशिया की है। इसका बताओ स्मार्ट सिटीज मिशन। Yes, 175 का सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टली गिवन बाय रवि जी, प्राची जी एंड देन अर्पिता जी, वेरी गुड। चलो किसी को कुछ पूछना है, और लाइक का बटन सभी लोग हिट कर दो यार, लाइक के बटन हिट किए बगैर मत जाना। और जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कहीं ना कहीं जरूर कर दिया करो, किसी ना किसी एक जगह पर शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो साइन ऑफ करते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।